गाइस, आज मैं ना मलाई से घी बनाने जा रही हूँ, मतलब मक्खन। ये 4-5 दिन की मलाई है। सच बोलूँ मैं बहुत सालों बाद बना रही हूँ। बनेगा तो वीडियो आगे प्रोसेस होगा, अब तक बना नहीं होगा। तो क्योंकि पता नहीं है, पहले ना मैं बहुत अच्छे से घी बनाती थी, अभी पता नहीं क्या हुआ, कुछ हो जाता है तो हम मानते हैं ऐसा, मेरे से बनता ही नहीं है। तो मैंने बहुत साल बाद फिर ट्राई किया है। थोड़ा सा फ्रीजर में था ना, तो इसलिए थोड़ा सा पिघल गया, बाकी मलाई मलाई है। इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ पहले मैं। तो देखिए, इसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मैं इसे ढक के रोक रोक के चला के देखती हूँ। तो ना इसे रोक रोक के चलाएंगे और फिर इसे देखते हैं कि आता है या नहीं। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, हल्का सा गर्म, क्योंकि अभी सर्दी है, और फिर से रोक रोक के करूँगी। तो देखिए, वैसे कान्हा जी की कृपा से हो रहा है, थोड़ा सा और चलाऊँगी मैं। बड़ी खुशी होती है यार, पता है, सच में बहुत सालों से मैंने ना मक्खन नहीं बनाया है। मैंने सोचा चलो अभी 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी करके देखते हैं। और सच बोलूँ, वहाँ मुझे ना घर के मक्खन का ही शौक है। बाहर से लाते हैं, मिलता भी है, कान्हा के लिए भी लाते हैं, पर घी खाने का मुझे शौक नहीं है जितना ना मुझे ये वाला मक्खन रोटी पे रख के खाने का शौक है। तो होप्स भगवान ने सुन ली है और बन जाएगा, तो देखते हैं। तो देखिए, फाइनली निकल तो गया, दिख रहा होगा आपको। इसको एक उसमें निकाल लूँगी मैं, ठंडे पानी में। तो मैं ना ठंडा पानी एक्चुअली लूँगी, ताकि घी अच्छे से मक्खन बन जाए, क्योंकि मक्खन बनता भी नहीं है मुझसे ना। मैंने कहा ना, कई साल हो गए, होप्स हो कि अच्छा सा हो जाए। तो मैं इसको हैंड की हेल्प से इसमें इस तरीके से निकाल लूंगी। वाह, मुझे ना घी का नहीं है, घी तो मिल जाता है मार्केट में, ये जो घर का मक्खन होता है ना बॉस, इसके लिए मैं बड़ी सालों से तरस रही हूँ। मैं निकाल लेती हूँ पूरा। देखिए, 4 दिन की मलाई में भी अच्छा वाला घी, मतलब मक्खन निकल गया है और भी है। देखिए, पूरा खाली हो गया है। हम लोग सरस का गोल्ड दूध लाते हैं एक्चुअली। पहले वो भैया जी, जो हमारे दूध वाले भैया थे, वो देते नहीं थे यार अच्छा सा, इसी वजह से मैंने बंद कर दिया। तो लेट्स सी, अब इसको एक दो बार ट्रांसफर करेंगे पानी में। मैं वही देखती हूँ कि कुछ बड़ा बर्तन हो। तो देखिए, इस तरीके से हो गया है फाइनली। आप लोगों के प्यार से शायद आपको दिखाना था इसीलिए मक्खन, और कान्हा जी को खाना था। अब इसी तरीके से एक दो बार वॉश कर लेना है अच्छे से। इसमें भी ठंडा ही पानी लिया है, तो फाइनली रोटी पे आज रख के खा पाऊंगी मक्खन। और घी बनाना है तो बस इसको अच्छे से पैन में ऐड करके किसी मोटे पैन देखे में फ्राई, मतलब फ्राई क्या, सॉरी, तपा लेंगे यार, मैं भी पागल हो गई। बट यस, फाइनली ना मक्खन बन गया। देखिए, ये तो रेडी हो गया है मक्खन घर का अच्छे से। अब इसके आगे का प्रोसेस बस यही है कि आप घी बना लो। तो देखती हूँ, थोड़ा सा रख के मैं घी बनाती हूँ तो आपको दिखा दूंगी। तो इसको एक सेपरेट सी कटोरी में रख देते हैं इसको। तो देखिए, 4 दिन की मलाई आप कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना सारा मक्खन हो गया रोटी के लिए। थैंक यू गॉड, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मेरा मक्खन बन पाया।